बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया जब एक भट्टा मालिक को 5 हमलावरों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामला बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के घुमानवा गांव के रहने वाले दिलवार नाम के भट्टा मालिक से संबंधित है, जिनका 5 हमलावरों के द्वारा धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दिया गया। दरअसल ललिया थाना क्षेत्र में रहने वाले भट्टा मालिक दिलबहार अपने 3 साथियों के साथ बैठे हुए थे, तभी अचानक 5 हमलावरों के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें दिलबहार नाम के भट्टा मालिक की मौके स्थल पर ही मौत हो गई और पास में बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही हमलावर भट्टा मालिक की हत्या करके फरार हुए, वैसे ही पूरे क्षेत्र में हंगामा मच गया। किसी तरह से लोगों द्वारा भट्टा मालिक दिलबहार समेत 3 लोगों को इलाज के लिए जिला मेमोरियल चिकित्सालय पहुँचाया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा भट्टा मालिक दिलबहार को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद खुर्शीद नाम के व्यक्ति को गंभीर बताते हुए इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं बचे 2 घायल व्यक्ति इमरान और मोहम्मद कैब का उपचार शुरू कर दिया गया। 5 लोग थे, ये लोग 4 थे, आए अचानक, हम लोग बैठे थे, अचानक ये बात करना शुरू कर दिया, और कोई ना झगड़ा था ना कोई बवाल था, ये राजनीति इनकी पहले से ही। भट्टा मालिक दिलबहार के हत्या की सूचना बलरामपुर जिले में आग की तरह फैल गई। जैसे ही ललिया थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली, वैसे ही पूरे पुलिस थाने की फोर्स के साथ अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव, सीओ राधा रमन सिंह भी जिला मेमोरियल चिकित्सालय पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए भट्टा मालिक दिलबहार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। भट्टा मालिक दिलबहार के हत्या के प्रकरण में पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी राजेश सक्सेना के द्वारा बताया गया कि जो हत्या में प्रयुक्त किए हुए धारदार हथियार थे, उसको भी बरामद कर लिया गया है। एसपी राजेश सक्सेना के द्वारा बताया गया कि हत्या प्रधानी चुनाव के रंजिश को लेकर 5 व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जिसमें दिलबहार नाम के व्यक्ति की मौत हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। सभी 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। बलरामपुर जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए साबिर अली की रिपोर्ट।